बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उम्मे हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उम्मे हसन। और आज मैं बना रही हूँ बट कढ़ाई। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, मेरी वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच जाए। तो जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और जो जो भी बट कढ़ाई बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले उसमें जो जाएगा ना वो मैं बताती हूँ। अभी मैंने 1.5 kg मैंने चिकन लिया है और 1 kg मैंने इसमें टमाटर लिए हैं और 2 onion थे, इनको मैंने काट लिया है। ज़्यादा बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको मैंने चिकन में डाल के तो थोड़ा सा उबालना है, तो ये नरम हो जाएंगे जल्दी ही, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। ये अदरक है, इसको मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया। हरी मिर्चें हैं, ये तकरीबन 10-12 हैं क्योंकि इसमें मैंने रेड मिर्च नहीं डालनी ना, वो जो थी। और ये जी बटर है, ये 250 ग्राम है मेरे पास। चिकन ज़्यादा है इसलिए मुझे 250 ग्राम चाहिए, अगर आपके पास कम है तो उस हिसाब से आप कम भी कर सकती हैं। और जी स्पाइसी में मेरे पास जो हैं वो सबसे पहले है जी गर्म मसाला है, ये पिसा हुआ सूखा धनिया है 1 teaspoon, या ये नमक, हल्दी और मोटी पीसी हुई ये रेड मिर्च है, और ये पापरिक पाउडर, ये आप डालना चाहो या ना डाल चाहो आपकी मर्ज़ी है। और काली मिर्च है, ये साबुत लाल मिर्चें जो है ना, ये तकरीबन 6 से 7 है। ऑयल मैंने नहीं इस्तेमाल करना, वो वैसे ही वहीं पड़ा हुआ था। और जी ये मैंने ना चिकन को ना टमाटर और प्याज डाल के बग़ैर नमक के मैंने उबाल लिया था, इसको नरम कर लिया था मैंने ना, ये देखें। ज़्यादा से ज़्यादा ना जब इसमें उबाल आना शुरू हो गया था ना, 10 मिनट मैंने लगाए, बाद में मैंने आँच तेज़ करके तो इसका मैं पानी खुशक करूँगी। तो स्पाइसी में ये पापरिक पाउडर और मोटी पीसी हुई मिर्च और हल्दी, ये 1 teaspoon है सारी। इसमें तीखापन आएगा ना तो वो उसी से आएगा जो मैंने इसमें हरी मिर्चें डालनी है ना, उसी से। ये तीनों मैं ना काली मिर्च और गरम मसाला और सूखा धनिया बाद में ऐड करूँगी जब मैं इनको भूनूँ। तो जी ये मैं मिक्स कर रही हूँ इनको। काफ़ी ज़्यादा इसमें से पानी खुशक हो चुका है, तो ये जो टमाटर के जो उतर गए हैं ना, वो टमाटर तो वो पेस्ट बनता जा रहा है, और उसके जो छिलके हैं ना वो मैं इनके ना साथ साथ उतार निकाल लूँगी अभी ना। ये मुर्गी ज़्यादा थी ना, ये चिकन मेरे पास, तो इसका पानी भी काफ़ी ज़्यादा था, खुशक होते हुए काफ़ी टाइम लगा। और ये जो इसके मैंने टमाटर के छिलके हैं ना, वो सारे निकाल लूँगी मैं आहिस्ता आहिस्ता से। पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है और देखिए इसका माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा आया है। वो मुझसे स्किप हो गया शायद, बटर मैंने डाल दिया हुआ है ना इसमें। अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, तो अब इसमें मैं ना ये सूखा धनिया और काली मिर्च और जो गरम मसाला था वो इसमें ऐड करके, और अगर आप चाहें तो इसमें दही आप इस्तेमाल करें, नहीं चाहते तो बेशक ना करें। तो मैंने करना था, मुझे पसंद है, ज़रा खट्टा खट्टा भी साथ हो जाएगा ना थोड़ा।
ये मीठा वाला दही नहीं है। तो और ये मैं इतनी देर तक भूनूंगी, तकरीबन ये तैयार हो चुकी है, बस हल्का सा इसको दम दूंगी। ये देखें ये बनके तैयार हो गई है। अब मैं इस डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी मेरी बट कढ़ाई बनके तो तैयार हो गई है, और ये साथ सैलड है, और ये तंदूर की रोटियाँ ये भी मैंने खुद ही बनाई हैं, और ज़ीरे वाला रायता है। तो ये जी बहुत मज़े की बनी थी, इसकी खुशबू भी बहुत थी, और सबसे ज़्यादा इसका टेस्ट जो ये बटर में बनती है तो उसका टेस्ट इसका अपना ही था माशाल्लाह से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अल्लाह आपके और मेरे खानों में बरकत दे, हमेशा की तरह आप खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।